हमारा आज का टॉपिक है कोसाइन फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी एक स्पेक्टर ट्रायंगल है एंड ए बी बी सी एंड सी ए इसका साइड है। आर ए बी पर एरिया टेंजेंट है एंड ए आर ए सी पर टेंजेंट है। रेडियस ओए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए बी। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए ई इज इक्वल टू पाई बाय टू एंड एंगल ए इज इक्वल टू ई ए बी। ऑल्सो एंगल ई ओ डी ई ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ए। इसी तरह एंगल ई ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू बी एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू सी। क्योंकि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू फाइव बाई टू ओ ए डी इज इक्वल टू फाइव बाई टू। देयरफॉर ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। एंड एंगल ओ ए इज इक्वल टू पाई बाई टू देयरफॉर ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इक्वेशन टू। नाउ फॉर लेंथ एंगल ए डी ई ए डी ई एंड ट्रायंगल ओ डी ई ओ डी ई वी हैव बाय कोसाइन फार्मूला। लेंथ ट्रायंगल का कोसाइन फार्मूला डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर माइनस टू ए डी इंटू ए ई कॉस ए इक्वेशन थ्री। इस ये लेंथ ट्रायंगल ए डी ई से एंड डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर माइनस टू ओ डी टू ओ डी इंटू ओ ई कॉस ए इक्वेशन फोर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर वी हैव AD square plus AE square minus 2AB into A cos A is equal to OD square plus OE square minus 2OD into OE cos A. अब यहाँ पर इसको उसी तरह रखेंगे और इस OD के बदले इक्वेशन OD square के बदले इक्वेशन वन से लिखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर एंड ओ ई स्क्वायर के बदले इक्वेशन टू से लिखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर और इसको उसी तरह लिखते हैं माइनस टू ओ डी इंटू ओ ई कॉस ए। अब यहाँ पर ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए डी और ए डी स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल करने के बाद टू ओ डी इंटू ओ ई कॉस ए को इधर ला दिए। अब ये हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ओ ए स्क्वायर और इसको उधर ले सकते हैं टू ए डी इंटू ए कॉस ए। अब कॉस ए को इधर रख देते हैं और टोटल से डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा ओ ए बट्टा ओ ई इंटू
OA बटा OD प्लस AD बटा OE इनटू AD बटा OD cos A, इस तरह हो जाता है cos A is equal to cos B cos C प्लस tan B sin C इनटू cos कैपिटल A. सिमिलरली cos B is equal to cos C cos A plus sin B sin C into cos capital B, and cos C is equal to cos A cos B plus sin A sin B into cos capital C. ये हमारा आ जाएगा cosine formula, cosine formula 2 हो गया.